सर इसका पावर मीटर देखिए सर, ये रहा इसका साइड में VFL भी है और पावर मीटर भी है। जैसे हम डिस्प्ले पे भी काम कर रहे हैं, कोई स्प्लाइसिंग वगैरह का काम हो रहा है, तो ये रहा इसका सर नीचे, इसमें से ये ऑन ऑफ है। यहाँ से हम ऑन करेंगे सर, ये पावर मीटर ऑन हो गया। देखिए 1.82 dBm की पावर आ रही है इसमें 13.10। यहाँ से हम इसकी वेव लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए सर, यहाँ से ये देखिए सर 850 VM 13.10 पे चेक कर रहे हैं। और इसमें VFL भी है साथ में, उसकी भी टेस्टिंग दिखाते हैं। ये रहा सर इसका सेकंड पोर्ट VFL का है, देखिए ये सर ये 650 लिखा हुआ है। इसको जैसे हम प्रेस करेंगे, ये VFL ऊपर डिस्प्ले में भी आ गया, ये देखिए रेड कलर में डॉट्स आ गया, ये ऑन हो चुका है अपने पास में। ये रहा सर, ये VFL अपना ऑन हो गया इसके अंदर, देखिए सर, ये रहा सर। इसमें सर पावर मीटर और VFL दोनों इंक्लूड हैं, हमने को अलग से निकालना नहीं, स्प्लाइस करते हुए वर्किंग अपना कर सकते हैं। बाकी मोबाइल ऑपरेटिंग है तो इजी टू यूज हो जाता है। इसमें जैसे हम स्प्लाइसिंग करते रहेंगे, जैसे 3000 पे अपने को सर्विस करवानी है मशीन का, इलेक्ट्रोड चेंज कराने हैं, वो यहीं पे इसका काउंटर चलता रहेगा साथ में। अभी जैसे हमने 4 स्प्लाइस कर ली, 2996 अभी रिमेनिंग है, उसके बाद हम उसकी स्प्लाइस करेंगे। सर ये देखिए VFL ऑन है, अभी हम यहाँ से इसको ऑफ करेंगे, मेरा 650 से तो वो ऑन ऑफ, ये सर ऑफ हो गया यहाँ पे। अभी हम इसमें जैसे पावर डालेंगे तो पावर आ जाएगी यहाँ पे, ये ईजी टू ऑपरेट है सर। इसमें देखिए ये वर्क बेंच इसका दे रखा है, अपना आराम से हम फील्ड में वर्क कर सकते हैं। इसका स्टूल है इसके ऊपर, अब इसको पैकिंग करते हैं पूरी की पूरी। देखिए सर ये इसका पैक हो जाएगा, इसका अनबॉक्स, सर पैक हो गया है ये मशीन ऑफ की। इसके अंदर मेरे को मशीन बाहर निकालने की जरूरत नहीं, इतनी मतलब स्पेस है सर, हम इसको मशीन बीच में ही रखे हुए इसको काम कर सकते हैं। देखिए सर ना वर्क बेंच है पूरा का पूरा तैयार है, इसमें रेडी है। ये देखिए सर इसके ऊपर ये इसका स्टूल आ गया, मेरे को वर्किंग करनी है, कहीं बैठ के काम करना है, उसके लिए बहुत ईजी है ये। देखिए आराम से इसको कैरी करिए, कहीं मर्जी ले जाइए। बेल्ट भी है इसकी, यहाँ इसमें बेल्ट हैंग हो जाएगी। ये इसकी ड्रॉर है, यहाँ से ये लॉक हो जाता है, यहीं से ओपन हो जाता है। इसमें अपना क्लीवर, स्ट्रिपर, आईसो प्रोफाइल सब रहता है। चार्जर इसके नीचे ड्रॉर के अंदर है। सर इसको लीजिए और बताइए इसकी परफॉर्मेंस कैसी है।